नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही संवेदनशील इशू के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं फोर्सफुल क्रीमेशन के बारे में। आपको याद होगा हाथरस रेप केस, और हाथरस रेप केस के बाद जो फोर्सफुली क्रीमेशन हुई थी विक्टिम की, उसके बाद पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया था। इनफैक्ट इसके विजुअल्स भी आए थे। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने टेलीविजन चैनल पे इस चीज को देखा होगा। इनफैक्ट अलाहाबाद हाईकोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया था इस पर्टिकुलर केस का और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगे थे, आपको याद होगा, राइट? तो इस चीज के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि फोर्स क्रीमेशन इज इट वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। तो आप यहां पे देख सकते हो, ये प्रिंट की एक इन्वेस्टिगेशन है जहां पे उन्होंने कहा कि हाथरस वाज नो एक्सेप्शन। हाथरस तो एक केस था जिसको बहुत ज्यादा नेशनल मीडिया मिला हुआ था, राइट? लेकिन एटलीस्ट 4 रेप विक्टिम्स वर फोर्सफुली क्रीमेटेड बाय पुलिस एट डिफरेंट प्लेसेस। तो ये इनकी इन्वेस्टिगेशन में 4 मिले हैं। अगर और भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो हमें और भी एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। तो आज इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, फोर्स्ड क्रीमेशन नॉट जस्ट अबाउट द रेप विक्टिम्स बट ऑल्सो अबाउट COVID-19। इसको हम लोग COVID-19 पैंडेमिक और COVID-19 पैंडेमिक के चलते जो क्रीमेशन हुई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे और इन जनरल एक फोर्स्ड क्रीमेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाथरस केस, एक साल हो चुका है उस पर्टिकुलर केस को। पिछले साल आपने न्यूज में जरूर देखा होगा कि जो एलिजेड गैंग रेप था उसमें जो विक्टिम थी, विक्टिम का जो अंतिम संस्कार हुआ वो अथॉरिटीज ने हश हश रात के 3 बजे किया। इसकी विजुअल्स भी आपको मिली न्यूज़ चैनल्स पे, इसको कंटिन्यूसली दिखाया गया था, काफ़ी सारी चर्चा हुई थी। मतलब इन द डेड ऑफ द नाइट द क्रीमेशन टुक प्लेस। उस विक्टिम की फैमिली प्रोटेस्ट कर रही थी तो उसके बावजूद अथॉरिटीज ने अंतिम संस्कार कर दिया, यानी कि फोर्सफुली क्रीमेट कर दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलाहाबाद हाईकोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, बहुत सारे सवाल पूछे यूपी सरकार से, यूपी सरकार के सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया था, यूपी को कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए, ये सारी डेवलपमेंट हुई। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं हाथरस के बारे में। इस हाथरस जस्ट द एंड, क्योंकि हाथरस में तो हुआ लेकिन क्या और भी जगह पे हुआ फोर्स क्रीमेशन? इट हैज बिकम सम सॉर्ट ऑफ अनसेड नॉर्म। अगर हम लोग बात करें रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स की, एक्टिविस्ट की, मीडिया पर्सन की, वो बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा नॉर्म हो चुका है। ना सिर्फ यूपी में, दूसरी जगह भी बहुत सारे उदाहरण मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रिंट की इस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने एटलीस्ट 4 रेप विक्टिम्स का एग्जाम्पल दिया हुआ जहां पे फोर्सफुली देवर क्रीमेटेड। बहुत सारे एग्जाम्स आपको मिलेंगे। 29 सितंबर 2020 को बलरामपुर में यूपी में, इनफैक्ट दिल्ली में भी कुछ इसी तरह का इंसिडेंट हुआ था इन मॉडल टाउन, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में भी, और सबसे कंट्रोवर्शियल में केस कहूंगा ये 21 जनवरी 2021 वाला ईस्ट चंपारण बिहार में। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, एक 12 साल की लड़की का गैंगरेप हुआ था और उसके बाद उसको फोर्सफुली क्रीमेट करवाया गया। नेपाली फैमिली से बिलोंग करती वो लड़की, इनफैक्ट उस लड़की की फैमिली को ही धमकी दी गई कि अगर आप फोर्सफुली क्रीमेट नहीं करोगे तो आपके ऊपर एक केस कर दिया जाएगा, और इनकी पूरी फैमिली इज नाउ इन नेपाल अपेरेंटली। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन जरूर हुई इस केस में, और जो SHO थे, जो भी एक्यूज थे, उन सबको पकड़ा गया है और अभी भी प्रोसीडिंग्स चल रही है। अब बाकी केसेस में देखिए, पुलिस ने भी अपना काउंटर आर्गूमेंट दिया है। काउंटर आर्गूमेंट ये कहा है बहुत सारे केसेस में कि उस समय पे फैमिलीज ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल के बाद वो लोग अभी कंप्लेंट कर रहे हैं कि फोर्सफुली विक्टिम को क्रीमेट किया गया, ये सारी चीज़ें गलत है, पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, राइट? तो वहाँ पे कुछ लॉयर्स ने भी ये कहा कि उस समय पे जब ये केस हुआ तो उस समय पे फैमिलीज को केवल जस्टिस की एक दरकार थी, वो जस्टिस चाह रहे थे, इंसाफ चाह रहे थे, उन एक्यूज्ड को अरेस्ट, वो एक्यूज्ड अरेस्ट हो और उनको सजा मिले। लेकिन इस सब चीज़ों में ये जो लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ आती है, राइट? लॉ एंड ऑर्डर यानी कि पुलिस, इज इट अलाउड टू फोर्सफुली क्रीमेट दीज विक्टिम्स? देखिए फैमिली ने अगर कंसेंट नहीं दिए, फैमिली को कोई ऑब्जेक्शन है, तो तब भी फोर्सफुली क्रीमेट कर सकते हैं क्या? इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि उनके रिलीजियस बिलीव्स के खिलाफ फोर्सफुली क्रीमेट किया गया, यानी कि बहुत सी जगह पे विक्टिम्स को जला दिया गया। लेकिन उनके रिलीजियस बिलीफ्स में ऐसा नहीं था कि उन्हें जलाया जाए, उन्हें दफनाया जाना चाहिए था, लेकिन जला दिया गया। तो इस तरह के भी एलिगेशंस बहुत सारे हुए हैं। तो इन सब चीजों से एक और डिस्कशन भी होता है। देखिए फोर्सफुल क्रीमेशन ऑफ रेप विक्टिम्स, इट हैज बिकम सम सॉर्ट ऑफ अ नॉर्म। लेकिन हम लोगों ने COVID-19 में भी ये चीजें देखी। COVID-19 में आपने देखा होगा बॉडीज फाउंड फ्लोटिंग इन गंगा, राइट? यानी कि वो बॉडीज उनकी फैमिलीज को भी नहीं मिली उन केसेस में। इसके अलावा आपने बहुत बार देखा होगा मास फ्यूनरल्स, आपने बहुत सारे वीडियोस या फिर स्निपेट्स देखे होंगे जहां पे एक बड़ा सा JCB है, JCB से बड़े खड्डे खोदे जा रहे हैं, JCB से ही बॉडी को उठाया जा रहा है और दफना दिया जा रहा है।
और उसके बाद जो सैनिटाइजेशन वाला स्प्रे हो रहा है और दफन हो गया। तो इस तरह की भी चीज़ें हम लोगों ने बहुत सारी देखी। इन सब चीज़ों से एक सवाल ज़रूर उठता है, बहुत बड़ा सवाल उठता है। वो सवाल ये है कि आर फोर्सिबल क्रीमेशंस अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21? हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 में हम सबको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दी गई है। उसमें ये लिखा गया, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए, आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जो अगर केवल ये एक भी फंडामेंटल राइट दिया जाता तो हमारी जो जुडिशरी है वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स इससे डिराइव कर लेते। इनफैक्ट मैं कहूंगा ऐसे हमारे संविधान में कोई अनुच्छेद नहीं है जिसको इतना ज्यादा इवॉल्व किया गया, जिसको इतना ज्यादा डेवलप किया गया है और जिसको इतना ज्यादा एक्सपैंड किया गया। केवल आर्टिकल 21 है जिसके तहत बहुत सारी राइट्स दी गई हमें। तो इसी राइट के तहत एक सवाल जरूर जाता है, डू वी हैव अ राइट अगेंस्ट फोर्सिबल क्रीमेशंस? अब आप ये सोच रहे होंगे कि विक्टिम तो जा चुका है, विक्टिम की डेथ हो चुकी है, तो क्या उन्हें डेथ के बाद भी वो राइट है कि वो दे शुड बी क्रीमेटेड रेस्पेक्टफुली? द आंसर वुड बी यस, इट इज देयर। फोर्सिबल क्रीमेशंस आर अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। देखिए, आर्टिकल 21 के दो पहलू है, राइट ऑफ लाइफ विद डिग्निटी ऑब्वियसली, एंड आफ्टर डेथ ऑल्सो अ डिग्निफाइड एंड, राइट? देखिए, राइट टू लाइफ, डज इट मीन राइट टू डाई? इसके ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है। राइट टू डाई में कोर्ट ने थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दी हुई है। इन अ वेरी फेमस केस, अरुणा शानबाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया हुआ है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि वी डू हैव अ राइट ऑफ रेस्पेक्टफुल क्रीमेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटीड है कि अ पर्सन शुड बी एबल टू बी बरीड अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस बिलीव्स। आर्टिकल 25 भी ये कहता है, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो फैमिलीज जो थी, स्पेशली जो एलिजेड रेप विक्टिम्स की फैमिलीज थी, उन्हें कोई कोलैटरल नहीं बनाया जा सकता जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। पुलिस ये नहीं कह सकती कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती थी इसीलिए हम लोगों ने जल्दी से फोर्सफुली क्रीमेट कर दिया, फैमिली को इन्फॉर्म भी नहीं किया। फैमिली अगर समझ लीजिए कंप्लेंट कर रही थी, उन्होंने कंसेंट नहीं दी फॉर दैट क्रीमेशन, फिर भी उन्होंने कर दी जस्ट साइटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, दैट इटसेल्फ इज रॉन्ग। इनफैक्ट पुलिस सप्रेस जो करती है, पुअर पीपल हु आर सप्रेस्ड, फोर्सफुल क्रीमेशन जो की जाती है वो खुद एक बहुत बड़ा क्राइम है। इनफैक्ट ये जानना चाहिए, देखिए हाथरस रेप केस में तो काफी सारी मीडिया कवरेज हुई थी, एक वीडियो भी रिलीज हुआ था। अगर वो कैमरा पे कॉट नहीं होता तो शायद इतना बड़ा एक विवाद भी नहीं होता। लेकिन एथिकली मॉरली स्पीकिंग, कैमरा में वो कॉट हो या ना हो, लेकिन ये एक रूल बनता है कि रेस्पेक्टफुल क्रीमेशन सबको मिले, और अगर ये वॉयलेट हो रहा है तो उसे रोकना चाहिए। और ये एक प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज एक फोर्सफुल क्रीमेशन हो गई, सब लोग शांत है, तो आगे चल के वही रिपीट भी हो सकता है। इनफैक्ट इसके ऊपर लीगल क्लैरिटी भी, अगर हम लोग लीगली बात करें, देखिए मद्रास हाईकोर्ट ने क्लियरली कहा है, राइट टू डिसेंट बेरियल इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एक डिसेंट बरियल सबको बहुत जरूरी है इवन आफ्टर डेथ, सो राइट टू डिसेंट बरियल इज आर फंडामेंटल राइट। इवन अलाहाबाद हाईकोर्ट, जो मैंने आपको कहा कि हाथरस रेप केस की बात सो मोटो कॉग्निजेंस ली थी, उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को क्लियरली कहा था कि अगर आपको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सीरियस होने वाली है, राइट, हाथरस केस में यही कहा गया कि पोटेंशियल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी। ये एक मैं कहूंगा क्लोक है जिसके तहत सरकार ये रीजंस बताती है, बट अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होने वाली है भी तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाइए, और जिसके तहत आप फैमिली जो भी रहेगी, विक्टिम की फैमिली रहेगी, तो उनकी फैमिली बिलीव्स के अनुसार, उनके कस्टम्स के अनुसार क्रीमेशन करें। तो सभी को राइट टू डिसेंट बरियल का अधिकार है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि जो अलाहाबाद हाईकोर्ट का जो गाइडलाइन है, ये एक नेशनल गाइडलाइन बनना चाहिए, नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा इट इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम विद उत्तर प्रदेश, इट्स अ प्रॉब्लम एवरीवेयर। इनफैक्ट आप हाल ही में आपने सुना जरूर होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी हाईलाइट किया है कि पुलिस अट्रोसिटीज के खिलाफ कुछ होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। तो इन सब चीज़ों से ये जरूर बनता है कि ये जो डायरेक्टिव्स थे, जो गाइडलाइंस थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, नॉट जस्ट फॉर यूपी गवर्नमेंट, इट शुड बिकम अ नेशनल पॉलिसी ऑल ओवर इंडिया। डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस। With that notion, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.